ऐसे भी परिवार देखे हैं कि घर में चार बेटे हैं, चार बेटों को चार बंगला है, सुख चैन की जिंदगी है, दुख कभी देखा नहीं है, लेकिन मां बाप वृद्धाश्रम में जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे भी बेटे मैंने देखे। इसलिए पहली बात है, समाज के अंदर बेटे बेटी एक समान, कोई भेदभाव नहीं, ये आज के युग की अनिवार्यता है और हर युग की अनिवार्यता है। और भारत में कुछ विकृतियां आई हैं, आने के कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन ये देश गर्व कर सकता है। अगर गवर्नेंस की बात याद करें तो किसी जमाने में अहल्या देवी का नाम आता था बेस्ट गवर्नेंस के रूप में। कभी वीरता की बात आए तो रानी की झांसी लक्ष्मीबाई का नाम आता था वीरता के लिए। बेटियां ही तो थी, यानी कोई युग ऐसा नहीं होगा। और हमारे यहां तो विदुषी ज्ञान का भंडार बेटियों ने करके दिखाया है। तो पहले तो हमारी अपनी मानसिकता, दूसरा आज स्थिति बदली हुई है। आज तो आप देखेंगे नए जो बच्चे स्कूल आते हैं ना, तो बेटों से ज्यादा बेटियों की संख्या होती है, ये हिसाब आ रहा है। आज जो बेटियों के एस्पिरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं, वो कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, शायद कोई भी हिंदुस्तानी गर्व करे ऐसा है, और उसको हमने अवसर देना चाहिए और अवसर हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए।